तीन राज्यों में सरकार बनने के बाद अब मंत्रियों को लेकर माथापत्ती चल रही है। छत्तीसगढ़ में 9 मंत्रियों ने शपथ ले ली है। अब बचा हुआ है राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, वो दिल्ली में हैं। दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के अध्यक्ष से बातचीत की है। अब आगे जाकर मंत्रियों के नाम फाइनल होने वाले हैं। कौन कौन होंगे, वो नाम क्या है, संभावनाएं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया। अब इंतजार मध्य प्रदेश और राजस्थान का। मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर मंथन का दौर जारी। हालांकि अब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि कौन मंत्री बनेगा और कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली में है। आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहे। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री मोहन यादव मंत्रिमंडल के नामों पर मोहर लगवाने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले 17 दिसंबर को एक राउंड की मीटिंग दिल्ली में हो चुकी है। सवाल ये मध्य प्रदेश में कौन मंत्री बनेगा। पहले बड़े नामों की बात कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद से विधायक बने राकेश सिंह, सांसद से विधायक बनी रीति पाठक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय। ये वो नाम हैं जिनकी चर्चा चुनाव के दौरान और नतीजों के बाद सीएम के लिए होती रही। लेकिन सीएम बन गए मोहन यादव, अब ये बड़े नाम राज्य में मंत्री बनेंगे या नहीं, इसकी चर्चा भोपाल से दिल्ली तक हो रही है। कल जब कैलाश विजयवर्गीय से इंदौर में इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। मतलब मेरी भूमिका में विधायक हूँ अभी, वो तो, और राष्ट्रीय महामंत्री हूँ, कल बैठक में जा रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में। तो अभी राष्ट्रीय महामंत्री आप लोग बड़ा हल्के में लेते हैं, मैं बहुत बड़ा हल्के। पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर पहले ही स्पीकर बन चुके हैं। जहां तक राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार का सवाल है तो तस्वीर वहां बिल्कुल साफ नहीं है। पिछले दिनों सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली आए और बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। यहां भी कई बड़े नाम हैं जिनके सियासी भविष्य को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को जगह नहीं मिली। रेणुका सिंह सीएम की रेस में मानी जा रही थी। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, जबकि इन दोनों का नाम सीएम की रेस में चल रहा था। छत्तीसगढ़ का ये फॉर्मूला अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में चला तो फिर बड़े नेताओं के साथ खेल हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।